रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो हो गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। साधु जी आज प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत हम आप सभी बागेश्वर बालाजी त्रिवेणी मां गंगा मैया की कृपा से हम आप बागेश्वर बालाजी के बरदहस्त आशीर्वाद को पाने के लिए यहां विराजमान भए। बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए पूज्य पाद गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए बागेश्वर बालाजी की इस सिद्ध अभिमंत्रित पावन गद्दी की ओर से खूब खूब सीताराम है। भैया यहाँ तेज कर दे तो कक्का को नहीं लगना, तेज कर और तेज कर। बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय राजू भैया जी बोले गुरुजी भले ही एक दिन के लिए आओ लेकिन आपको आना है। तो हमारे मन में विचार आया कि हमें संगम तो डुबकी लगाने जाना ही है, साथ में मोजा गांव में पहुंच करके बागेश्वर बालाजी का दरबार भी लगा दिया जाएगा। पूरा इनका परिवार पंडित जी का, इनके चारों भाई, पूरा डीजीएस ग्रुप जो निरंतर बागेश्वर बालाजी के चरणों से तो जुड़े ही हैं, और आज जो है समूचे प्रयाग क्षेत्र के इस गांव के लोगों को आसपास के लोगों को बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का एक शुभ अवसर भी दिया है। हम तो जैसे आए हम ही जाना, बड़ी मुश्किल में आ पाए, चले तो हम 12 बजे के हैं अभी ठिकाने लग पाए, 12-12.5 बजे क्षेत्र में हमने प्रवेश कर लो तो आज तो हमें लगा तो गुरुजी साकुशल पहुंच भी के नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें क्या पता कि इतने भी इतने पगला हैं, अगर हम जाने के इतने पागल हैं तो और पहले आ जाते, इतने तो खेतों में भी पागल ही पागल हैं। अब आज तो ठीक है हमें जब चलो जाने, जिनके खेत हैं उन्हें जिंदगी भर हमारी ठठरी बार है, एक बाबा आओ तो बागेश्वर धाम को पूरी खेती नुकसान करवागा, और न्यूज बार ना छोड़ने नहीं है, इन्हें ब्रेकिंग न्यूज चला देना, देखिए बागेश्वर के दरबार में क्या हाल हुआ है। और जैसे तैसे करके पहुंच गए बालाजी के चरणों के प्रताप। अच्छा पीछे आवाज आ रही, अच्छा आउट है नहीं, अरे यार तेज कर पीछे, तोरे कक्का को नहीं लगने, बटन ही दुआ घुमाऊ, घुमा बटन। बिना विलंब किए बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए हम आप सभी यहां विराजमान भाई मेरे पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, सबसे बड़ा चमत्कार मानव तन है, मानव देह से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और मेरे पागलो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने या जादूगरी दिखाने नहीं आए हैं, अपितु पर्चा तो एक बहाना है,
बालाजी का दरबार तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बागेश्वर बालाजी का बनाना है। चाहे तुम प्रचार के प्रभाव से बनो, अथवा पर कथा के प्रभाव से बनो, या कार्य सिद्ध होने के बाद बनो, मेरे पागलो जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और आप तो गौरवान्वित महसूस करो उस भूमि से हो जहां आस्था का संगम है, सामाजिक समरसता का संगम है, जहां पर संस्कारों का संगम है, जहां पर त्रिवेणी का संगम है, जहां पर त्रिदेवों का संगम है। ऐसी यज्ञ भूमि तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में हम आप सब बैठे हुए हैं। और मेरे पागलो एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, आपको अगर समस्या है तो समाधान भी आप हो, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है। फिर आप कहोगे कि गुरुजी फिर तुम्हारे दरबार में दिन भर से डले काहे के लिए डले। देखो मेरे पागलों, कर्म और कृपा दोनों आवश्यक है। दरबार हमारा नहीं, महिमा बागेश्वर बालाजी की है, जिनके चरणों के प्रताप से जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बागेश्वर बालाजी के प्रताप से विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी लगाते थे, उनके पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए वो भी दरबार लगाते थे। 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा, जो जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, पर्चा बने या ना बने, हनुमान चालीसा और बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रभाव है, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना हो। और गोस्वामी जी कहते ही है, नाशे रोग हरे सब जपत निरंतर, संकट ते हनुमान मन क्रम वचन। ऐसे हनुमान जी हैं कि जो और देवता चित्त ना हनुमत से ही। एक केवल हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, जो हनुमान जी को ध्याता है, हनुमान जी को भजता है, हनुमान जी के सहारे रहता है, वो अपनी जिंदगी की प्रत्येक संकटों का समाधान संकट मोचन से पा जाता है। आपके पास अगर संकट है तो बागेश्वर बालाजी का नाम संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी हरण ना कर पाए। आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी हरण करते हो, हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, पर तुम्हारी क्या जरूरत, ये पर्चा की क्या जरूरत है, ये टेंट लगाना, टीवी बुलाना, ये बेफिजूली का माइक लगवाना, ये तमाशा बनाने की क्या जरूरत है। बात बिल्कुल अच्छी है, आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पागलो ये दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी जरूरी है। और जो हलीउल्ला कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है, आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान जी राजा है, और हनुमान जी ही आपके सब संकटों का हरण कर देंगे, जाओ आशीर्वाद। इसीलिए तो धर्म विरोधी पीछे लग गए कि जो बाबा बड़ो खतरनाक है, पर आई एम नॉट बाबा, हम कोई बाबा है ही नहीं है, हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलो अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। गंगा मैया की गोद में विराजमान हो, और हम आपको एक वचन दे देते हैं आज ही, आपके जो जो संकट और विपत्ति है
आज से अब आपकी नहीं है, जो जो दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हुए हैं आज से तुम्हारे संकट और तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा की है। देखो हम तो कुछ भी नहीं है, ना हम भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, हम तो बालाजी के चरणों के सेवक हैं। हमारी जो परंपरा तीन पीढ़ियों से चल रही है, हमें जो प्रेरणा लगती है वो हम लिख देते हैं। लेकिन हमने लाखों लोगों के मुंह से सुना, जो दरबार में आता है, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करता है, पर्चा बने या ना बने, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार बालाजी की पेशी करना प्रारंभ कर देता, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। एक बात और मेरे पागलो, हम तुम्हारा पर्चा बना भी दें, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमारे बालाजी के लिए, हमारे लिए, हमारे बालाजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमारे बालाजी के लिए तुम्हारा नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम बता देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनसे कुछ भी मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या तो आपको भी पता है कि आपको क्या समस्या है, नाम तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा क्या नाम है भैया। इसलिए हमारी कोशिश रहती, हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी का पर्चा बना पाए या ना बना पाए, हमें जो गुरुजी ने चूरन चटनी बालाजी ने दी है सनातन के प्रचार के लिए, उस मंत्र के प्रभाव से समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। बोलो सीताराम, साधु जी। देखो समस्याएं ऐसी कि तुम्हारी एक समस्या ठीक होगी दूसरी खड़ी हो जाए, सिर दर्द ठीक होगा तुम्हारा पेट दर्द करने लगे, पेट दर्द ठीक होगा पड़ोसी दर्द करने लगे, पड़ोसी ठीक होगा लोगाई दर्द करने लगे, धीरे धीरे पर्चा चाहे खत्म हो जाएंगे तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे पागलो, कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता है, कौन कौन अपनी जिंदगी में चार चांद लगाना चाहता है, कौन कौन अपनी विपत्तियों से मुक्ति चाहता है, कौन कौन सनातन धर्म के साथ हनुमान जी की कृपा को पाना चाहता है, कौन कौन अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता है, क्या तुम जुड़ना चाहते तो दो शर्तें सुनो, एक हमारे चक्कर में मत पड़ो, और दूसरी शर्त आज से ही बागेश्वर हनुमान जी का चक्कर पकड़ लो। इससे क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी में जब जब विपत्ति आएगी, जब जब समस्या आएगी, तुम्हारे घर पर संकट मोचन बागेश्वर बालाजी बचाने चले आएंगे। जब जब आफत आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर आ जाएगी। ये वही सन्यासी बाबा हैं जिन्होंने बागेश्वर बालाजी को प्रकट किया। बागेश्वर बालाजी स्वयं भू हनुमान जी आज से 320 साल पहले प्रकट हुए, और हमें तो लगता है कलयुग में सनातन का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। आज जब हम आ रहे थे तो एक महात्मा हमको बता रहे थे कि एक व्यक्ति धमकी दे रहा था, गुरुजी इनको मत बुलाओ, ये बाबा बहुत बवाली है, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने उन महात्मा को कहा, महाराज जी, महंत जी, हम बवाली जरूर हैं, लेकिन सनातन धर्म के बवाली हैं। इसमें उनको ही मिर्चा लगेगी जिनमें मिक्स है, जिनका आता पता ठिकाना नहीं है उनको मिर्चा लगेगी, क्योंकि उन्हें डर है कि ये आदमी अगर दो चार साल और जिंदा रहा तो सबके प्लान फेल कर देगा, जितने करोड़ों खर्च कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम रुकने या झुकने वाले नहीं हैं, हम हनुमान जी के चेले हैं। हाँ, और हमारे हनुमान जी राम दूत अतुलित अंजनी पुत्र, हाँ हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। तो आज के दरबार में बैठ जाओ, तुम उन्हें खड़े हो, बहुत विचित्र लोग, बैठ जाओ, अर्जी लगवानी कि नहीं लगवानी, बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ भाई, कैमरा वाले भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, लगा लो, एक हट्टो स्टैंड लगा लो, बैठ जाओ,
काय को खड़े। 3 बजे दरबार ब्राह्मण का शुरू हो रहा। हाँ, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें DGS ग्रुप की गलती है। इतनी देर से यही लुवा लिया, लेकिन एक बार पूरे DGS परिवार को ताली बजाकर साधुवाद जरूर दीजिए। हमारे राजू तो बहुत अच्छे हैं, हमने इनको काजू भी खिलाया है बहुत, और आपको सुनकर आनंद आएगा। ये इनका परिवार और हमारा परिवार एक ही गोत्रीय परिवार है। हाँ, एक ही गोत्र के हम लोग हैं। अब देखो भाई, ऊपर सरग नीचे गरग, दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। ओ, हमारे राजू ने बहुत मेहनत की, जे जितने दीवार पे चढ़े कक्का हरो नीचे न आ जाइयो, नहीं तो अब आई ब्रेकिंग न्यूज बन जे है। देखिए त्रिकालदर्शी बाबा के दरबार में पर्चा हुआ फेल, नहीं बता पाया कि कौन गिरने वाला है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। हाँ, हमने पहले ही बता दिया, इसलिए बेटा हरा ऊपर ना टांगो, उसमें करंट भी है बेटा, देखो उसमें लाइट में करंट है, उसे मत पकड़ो, लाइट में करंट है बेटा। अब भाई नीचे गिलरिया से आ जाए, आप आते हो जाए, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे दीवाल तो है लेकिन टेंट है बेटा, ऊपर ना टांगो। सच में पागल यह है प्रयागराज में, माए छतन पे टंगे तुम लोग ना दिखा रहे, हम होते ही दिखा रहे हलुआ, हमें दिखा नहीं रहे तुम्हें दिखा रहे, लेकिन ठीक है, अच्छी बात, ऐसा पागलपन होना भी चाहिए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, शीतला मैया की, शीतला मैया की, शीतला महोत्सव की, शीतला कृपा महोत्सव की, सन्यासी बाबा की। आज का दरबार हम शुरू करते हैं, जितना भी अर्जी लग जाएंगे सब बैठ जाओ, जो गली में खड़े इन्हें बैठा दो। पुलिस वालों से निवेदन है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करो, आप लोग बहुत अच्छे हो और हमारे कारण आप लोगों को कष्ट भी हो रहा। बस 1 घंटे के मेहमान है, हम निकल जाएंगे, बैठा दो, लेकिन सबको बैठा दो, किसी को असुविधा ना हो। जो भी दरबार में बैठे हैं मन में राम नाम का जप करो, जिनको आप लोग भी बैठ 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 जाओ, बैठ जाओ, जिनको बुलाया जाए उनको आना है, बात समझ में ना आए तो तुरंत हमको बताना है। आप को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आपकी सबकी पर्चा बन पाए या ना बन पाए, पर जितने लोग यहाँ पर हैं आज सभी की सामूहिक अर्जी लगेगी। पर्चा का मतलब है अर्जी का लगना, आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। और कलयुग में यही प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। हाँ, नाम आम नहीं, अरे आपकी समस्या क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण पर्चे पर लिख दिया जाएगा। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे। गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चक्कर में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। किसके चक्कर में पड़े, बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर। अच्छा, कौन कौन बालाजी का है, सब है, बहुत अच्छा, हाथ नीचे रख लो, काम आएगा। जो जो बालाजी के हैं मन में राम नाम जपो, नियम का पालन करना है, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर बालाजी की पेशी करनी है, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। और मेरे पागलों, पर्चा के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो, भागना ही है तो श्री हनुमान जी के पीछे भागो। केवल हनुमान जी ऐसे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए उनके पीछे भागो। लेकिन आप लोग भी नंबर 1 के बदमाश, पर्चा के चमत्कार और चमत्कार के चक्कर में कई लोग धर्म का परिवर्तन भी कर लेते हैं। मेरे पागलों,
सनातन धर्म में ही इतनी ताकत है, ऋषि परंपरा में। लोग कहते हैं कि ये पर्चा वाला दरबार क्या है, पूरे देश में चर्चा है। हम कहते हैं मेरे पागल, ये पर्चा का दरबार आज का नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी की पद्धति है यह पर्चा का दरबार। उन्होंने पत्र पर लिख कर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, वहीं से पर्चा के पत्र की परंपरा प्रारंभ हुई है। पर हमारे सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया, पर हमारे दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। अब तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओगा, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा है, जो श्रद्धा पूर्वक बालाजी को भजता है, ध्याता है, उनकी खाली झोली भर जाती है। बालाजी की कृपा से उनके कार्य सफल हो जाते हैं। हम तो एक बहाना है, हम चमत्कारी नहीं है, न हम ईश्वर हैं, बागेश्वर हनुमान जी चमत्कारी है। तो सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, बोलो ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः। अब सीताराम जपो, हम दरबार शुरू कर देते हैं। और देखो भाई, पूछना वही जो तुम सुन सको, फिर बाद में मत कहना गुरुजी हमारी पोल खुल गई, क्योंकि हमारे भाई भाई के सिग्नल खतरनाक। एक बार अगर हमारा सैटेलाइट सेट हो जाता है तो फिर केबल समस्या भर नहीं बताता है, तुम्हारे जितने करिया कांड वो भी निकाल कर जानते हैं। फिर लेकिन तुम बाद में मत कहना गुरुजी हमारा घर बर्बाद हो गया, इसलिए सोते हुए नाग को जगाओ ही मत, अपनी समस्या पूछो, समाधान लो, बस आशीर्वाद लो, निकल जाओ, बेफिजूली का काय को बवाल करोगे। लेकिन अगर नहीं मानोगे, ज्यादा फटर फटर करोगे, नाग जाग जाएगा, तो फिर जो फिर अब हमारा मुंह बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको, और जो तुम्हारी मुख्य समस्या है उसको बोलना है, और बस जाओ, जितने लोग यहाँ विराजमान हैं सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जो जो विराजमान हैं जाओ, आप सबकी अलाय बलाय भाग जावे। जाओ, जो जो अर्जी लेकर आए हैं वो पूर्ण हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। बोलो सीताराम,